तो गाय जूरे में ना मेरे करेले बनाने की हो गई थी तैयारी, तो मैंने ले रखे थे गाय 2 किलो प्याज और 1 किलो मैंने करेले ले लिए थे। मैं कहा 2-3 दिन चल जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों टाइम ना सब्जी बनाने की टेंशन हो जाएगा क्या बनावा क्या बनावा, है ना, बड़ा को जर करेले का क्या रूल होगा। अभी 2-3 दिन बना कर ना, दो मान ले 1 किलो 1.5 किलो अपन बना लिए ना, तो 2-3 दिन चल जाए अभी खाने में भी टेस्ट लगे, है ना, टेस्टी टेस्टी। तो उरे ना मैंने आम भी उम भी सब सारा सामान कट कर लिया था, और मैं कट कर रही थी और ये बिरंदक सो मैंने केक के दिखाने लग रहा था फोन में, मम्मी यू देख बीच में परेशान करे जावा भाई यू भी। तो मैंने एक उसमें ना पहले मैं ना करेले का जो छिलका नहीं हुआ है वो उतार के, जो करेले का छिलका नहीं हुआ वो उतार लिया कर दिया, मैंने उतारे नहीं, मैं थोड़ा बहुत कड़वास जाना बहुत। गाइस करेले मैंने पका लिए हैं, अब जो मसाला मैंने तैयार कर रखा है वो वाला मैं अभी पकाऊंगी। देखो पकन लग रहे हैं भाई चिल्ले की आँख में, ये देखो धीरे धीरे अभी हो जाएंगे, अब मैं मसाला पकाऊंगी सारा। तो गाइज मसाला पकाने के बाद फिर मैं प्याज ने भून लूँगी, प्याज के बाद मैं घेर दूँगी टमाटर, फिर हो जाएंगे मेरे रेडी, पूरी क्लिप दिखाएंगे गाइज आपने। अब मैं इसे निकाल कर रख दूँ। क्या है गाइज अपने करेला की लुक देखो, ये मैंने छिलके है ना जो एक साइड में कर दिया, बाकी ना कच्चे नहीं है भून रखे मैंने, ये पका लिए है। तो ये बीज बाज बहुत टेस्टी लग गया करे बाद में, पूरा मेरे भून रहे हैं प्याज गाइज देख लो, अब ये रेड कलर के हो जाएंगे, रेड कलर होने के बाद मैं आपने दिखाऊंगी, फिर मैं डालूंगी टमाटो, टमाटो डालने के बाद मैंने लहसुन लहसुन कूट कर ना उसके अंदर मिक्स कर दिया है गाइज। तो मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बना ली क्योंकि फ़ोन का बुलावा मेरा मिनटा में आ जाए, मेरा आधा ब्लॉग रह जाए फिर मेरा गुस्सा आ जाता है गाइज, क्या करे मेरा अधूरा ब्लॉग छुटवा देना फिर ये। तो गाइज मैं लाग रही हूँ प्याज भुनना, और गाइज मैंने ना करेले भूंज लिए हैं, ये देखो गाइज करेले की लुक देख सको हो आप कितनी एंडी लग रही है, जब यमी यमी आज तो मुँह में पानी आ रहा है, बस किस टाइम से तैयार होंगे और किस टाइम रोटी खाओगे किस टाइम लस्सी का गिलास लेंगे, बहुत यमी यमी लगे गाइज, मस्त लगा। आप भी तरीके से बना कर देखो, मैंने पहले तो तेल में ना पलक के ही और निकाल लिए हैं मसाला वगैरह, मैंने बाद में भुनिया गाइज, और अब मैं भुनने जा रही हूँ ये प्याज, प्याज भुनने के बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर लहसुन, मैंने पहले भून लिया था गाइज, और अब ये थोड़े से और सुनहरे कलर में हो जाएंगे ना गाइज, और फिर मैं डाल दूंगी टमाटो, यानी टमाटर पता तो सभी को है, हाँ मैं इंग्लिश मैन बन रही हूँ। तो मैं टमाटो लिया, मैं सारा समाधान अपना ऊपर ले कर आ रही हूँ गाइज, ये देखो। तो गाइज ये मेरे सुनहरे कलर में होने लगे, हग तो दिखा बेटा इसके ऊपर कैमरा करके बिल्कुल, देखो अब ये मेरे हो गए हैं सुनहरे सुनहरे प्याज, और आप डाल देंगे इसमें अब टमाटर, ओए अमचूरन भूल आई मैं, अमचूरन लेके आई मैं डाल दिया, ये पकाया का ना गाइस, फिर मैं डाल दूँ करेले, देख लो पूरा 1 घंटा लग गया इसमें करेले बनाने में, आप ही डाल देंगे इसमें मसाला, दिखा दिया हो गए हैं मेरे करेले रेडी, क्योंकि फिर ना अंधेरा होता जान लग रहा है फटाफट। अब मैं ना आज मैं क्या करूँगी, बार बार लफ लगाऊंगी गाइज, मतलब तो बिना काम कौन चल रहा, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाए। देखो मेरे करेले बनकर ऐसी रेडी हुई है, इसमें मैंने आम भी काट के डाल दिए गाइज, अरे आम हूँ, अरे टमाटर भी डाल दिए हैं और अमचूरन भी डाल दिया है ताकि ये ज़्यादा कड़वे ना लगे। तो मैं तो इस तरीके से बनाया करूँगा गाइज, और आप इस वीडियो ना कर दिया एंड, और आप हमारी वीडियो देख कर ये बताइए कमेंट करके, आप भी इस तरीके से करेले बनाया करो या बर्के बनाया करो, बाकी खाने में बहुत टेस्टी लगा गाइज, जब दिखने में ऐसा कल इतनी अंडी लग लग रही है तो खाने में ये देख लो यमी यमी लगेंगे गाइज। तो बस अब रोटी बनानी हो रह गई है और नीचे छोटू चिलान लग रहा है गाइज। तो गाइज मेरे हो गए करेले रेडी और रोटी रख दी है, मैं खा रही हूँ लगा लिए थाली, देखो गाइज ऐसे बने मेरे करेले रेडी हो चुके हैं, ये देखो लहसुन लेने रहने दो लस्सी में, फिर पाम दर्द होगा लस्सी और गर्मी नहीं बनाऊंगी, मसाला इसमें लहसुन इसमें आम भी इसमें और एक नंबर के यम्मी अमचूरन इसमें, पानी पिला दे।